क्वेश्चन डेट साइन की पावर फोर एक्स बाई टू प्लस एक्स बाय थ्री इज इक्व टू वन बाई फाइव देन टू टेल विचन इज करेक्ट हमारे पास यहाँ पेट साइन रेज टू पावर फोर एक्स बाय प्लस एक्स की पावर फोर बाय थ्री इक्वल टू वन बाय फाइव गिवन है तो हमें बताना हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ठीक है तो अगर यहाँ एल सीम लेते तो हमारे पास आ जाएगा थ्री इन टू साइन की पावर फोर एक्स प्लस टू इंटू कोस पार फोर एक्स और एल सी मिलेगा सिक्स आ जाएगा सिक्स वगैरह यहाँ आने के तो हमारे पास आ जाएगा सिक्स बाई फाइव ठीक है अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं वी कैन राइट सॉरी साइन स्क्वायर एक्स को नहीं कोस स्क्वायर एक्स को कोस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं यहाँ से वन माइनस साइन एंड कोस की को हम लिख सकते हैं वन साइन स्क्वायर एक्स की पावर टू ठीक है तो हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं इससे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा थ्री इंटू साइन की पावर फोर एक्स प्लस टू इंटू वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स की पावर स्क्वायर इक्व टू सिक्स बाय फाइव और फाइव को अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास आ जाएगा फिफ्टीन साइन की पावर फोर एक्स प्लस टेन इंटू वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स की पावर स्क्वायर इक्वल टू सिक्स अब अगर कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए हम यहाँ पे साइन स्क्वायर को टी पुट कर देते हैं ठीक है तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर स्क्वायर प्लस 10 1 का होल टू तो यहाँ अगर हम आइडेंटिटी लगा दें ए माइनस बी के होल की तो हमारे पास आ जाएगा टी का स्क्वायर प्लस वन माइनस टू टीवल टू सिक्स ठीक है तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा फिफ्टीन टी प्लस टी स्क्वायर प्लस टेन माइनस ट्वेंटी टीवल टू सिक्स तो यहाँ से हमारे पास आ गया फिफ्टीन प्लस टेन ट्वेंटी फाइव टी स्क्र माइनस ट्वेंटी टी एंड सिक्स को यहाँ ले आता है हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा प्लस फोर इक्वल टू जीरो हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास ए प्लस बी का प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है जहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं ये हमारे पास फाइव टी का स्क्वायर है ये हमारे पास टू का स्क्वायर है एंड ये हमारे पास है माइनस टू इंटू फाइव इंटू फोर हम यहाँ लिख सकते हैं क्या तो हम लिख सकते हैं फाइव टी माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो तो हमारे पास यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी टू बाई फाइव अब टी हमने लिया था साइन स्क्वायर एक्स ठीक है तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास ये हमें पता है साइन को स्क्वायर एक्स हमारे पास होता है इक्वल्स टू वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स ठीक है तो हमारे पास यहाँ से वन माइनस टू बाई फाइव और को स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास थ्री बाय फाइव ठीक है अब हमारे पास ऑप्शन में टेन स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स विल भी इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स ठीक है तो साइन स्क्वायर एक्स हमारे पास क्या है टू बाई फाइव एंड कॉसर एक्स हमारे पास थ्री बाय फाइव तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा टेन स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू टू बाई थ्री तो यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया ठीक है अब इन दोनों ऑप्शन के लिए देखते हैं कि इनमें से तुम तो कौन सा करेक्ट है हमारे पास हमारे पास यहाँ पे आ गया था साइन स्क्वायर इक्वल टू टू बाय फाइव अगर दोनों साइड हम पावर फोर कर दें ठीक है तो हमारे पास ये आ जाएगा साइन की पावर एट इक्वल्स टू तो इसकी पावर फोर की तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ सिक्सटीन एंड इसकी की तो हमारे पास सिक्स ट्वेंटी फाइव इसी तरह कॉस स्क्वायर एक्स हमारे पास थ्री बाय फाइव दोनों तरफ अगर पावर फोर कर दें हमारे पास आ जाएगा कोस की पावर एट इक्वल्स टू इसकी पावर अगर हम फोर कर दें तो हमारे पास आ जाएगा एट्टी वन एंड सिक्स फाइव की पावर फोर हमारे पास सिक्स ट्वेंटी फाइव ठीक है अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है साइन की पावर एट अपॉन एट तो यहाँ से अगर एट निकाल लें हम तो ये सिक्सटीन को हम लिख सकते हैं एट इंटू टू ठीक है और उस एट को हम यानी ले आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा एट by एट इक्स टू यहाँ हमारे पास टू बचा बाई सिक्स सिमिलरली एटी वन को हम लिख सकते हैं हमें नीचे चाहिए तो एटी वन को हम लिख सकते हैं ट्वेंटी सेवन इंटू थ्री ठीक है तो हमारे पास यहाँ थ्री रह जाएगा हमारे पास आ जाएगा अब ऑप्शन में क्या है इन दोनों का एडिशन तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन की पावर एट बायस की पावर एट एक्स डिवाइडेड बाई एट प्लस कोस की पावर एट एक्स 27 बाई ट्वेंटी सेवन इक्वल टू टू प्लस थ्री फाइव इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 125 के इक्वल तो हमारा ये आ गया ऑप्शन बी ये हमारा ऑप्शन बी है सो फ्रॉम हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट